टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्जामिनेशन नीट और सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन साथ ही बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनिएगा और देखिएगा और इम्पॉर्टेंट नोट्स अपनी नोटबुक में तैयार करते रहिएगा। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपने केयरफुली देख लिया तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सहित सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस। स्टूडेंट, टुडे इज योर टॉपिक इन बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज आपका चैप्टर 3 है स्टूडेंट्स मानव जनन। मानव जनन के बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टार्टिंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहले नर जनन तंत्र प्रारंभ होता है। इसका पहला हेडिंग है वृषण। ये मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है। इट इज़ फाइंड इन द मेल्स वन कपल एंड साइज 4 to 5 centimeters एंड थिकनेस 2.6 centimeters। स्टूडेंट्स, एंड इट्स वेट 20.25 gram एंड कलर्ड पिंक कलर एंड दीज आर 2 egg shaped टेस्टिस एंड चाइल्ड स्टेज इज दिस टाइप स्टेज वेयर इज टेस्टिस नियर अबाउट अ मेच्योर एंड मेच्योर स्टेट एंड इट इज द गॉन अबव टेस्टिस ग्लैंड। स्टूडेंट्स, नर जनन तंत्र में सबसे पहला पार्ट है वृषण। ये मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है, नर जननांग है। इसकी लंबाई 5 centimeters तथा मोटाई 2.6 centimeters होती है तथा ये 2.25 gram वाला वजन वाला होता है। ये गुलाबी रंग के दो अंडाकार वृषण होते हैं। शिशु अवस्था में यह इनके आसपास रहता है और जब वयस्क अवस्था आती है तो ये वृषण कोश। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड स्पर्म ग्लैंड एंड सीशन ग्लैंड ETC एंड फर्स्ट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फर्स्ट यूरेटर, सेकेंड इज स्पर्म ग्लैंड, थर्ड पार्ट इज टेस्टिस एंड फोर्थ पार्ट इज सीशन ग्लैंड एंड फिफ्थ पार्ट इज एनुस एंड सिक्स पार्ट इज स्पर्म प्रोडक्टिव पाइप। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एग्जांपल के तौर पे प्रोटेस्ट ग्रंथि, शुक्राशय, सीरम आदि का चित्र प्रदर्शित है जो मानव के नर जननांग के बारे में दर्शाता है। इसमें सबसे पहला मूत्राशय, दूसरा वृषण, तीसरा सीशन, चौथा सिरामेन, टू पार्ट ऑफ हेल्पिंग ऑर्गन, पांचवा इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, छठा यहाँ पर दो आदि लैंगिक क्रिया में सहायक ग्रंथियाँ हैं। फर्स्ट स्पर्म ग्लैंड, इट इज लिक्विड टाइप एंड इट हैज मेक द स्पर्म्स एज प्रोटीन एंड फेस्टोस स्टेज। सेकेंड इज
प्रोस्टेट ग्लैंड। वर्क ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज़ द वाइट एज लाइक ए मिल्क कलर्ड एंड एसिड बेस लिक्विड। दिस इज द वर्किंग वर्क ऑफ टेस्टिस, यानी शुक्राशय का कार्य। ये तरल पदार्थ है जो कि वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। इसमें दो स्टेज होती हैं, प्रोटीन एंड फेस्टो स्टेज। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथ, ये दूधिया और क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। ये मूत्र में अम्लीयता को नष्ट करता है। प्रोसेस इज मेकिंग ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स इज अ लार्ज एंड टेल्स टाइप सेल। इट इज न्यूट्रिटिव, इट हैज सिचुएटेड इन न्यूट्रिटिव आर स्पर्म ग्लैंड्स। इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल जायगोट्स एंड मेकिंग इट्स, आई मीन्स मेकिंग ऑफ द स्पर्म इन स्पर्म ग्लैंड सेल्स। इट हैज़ डूइंग मियोसिस डिवीजन एंड दिस प्रोसेस हैज क्रिएटेड द स्पर्म्स। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु एक दीर्घाकार और पूंछ युक्त कोशिका है जो कि पोषक तरल वीर्य में रहती है। ये नर युग्मक है जिसका निर्माण शुक्राणु जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। स्टूडेंट, इट इज मियोसिस डिवीजन। इफ मेक द मेल जायगोट्स एंड फीमेल जायगोट्स 23 and 23 जायगोट्स विच ईच अदर, देन गिव्स आउट द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इट हैज टू टाइप्स, बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने नर युग्मक और मादा युग्मक के अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन के बारे में बताया जा रहा है। इसमें दो नर युग्मक और दो मादा युग्मक मिल करके स्टार्टिंग में 4 युग्मनज का निर्माण करते हैं और ये आपस में 23 जोड़े क्रोमोसोम का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह एक कंप्लीट शिशु में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और दो मेल और फीमेल जननांग मिल करके 4 नए युग्मनज तैयार करते हैं। इस प्रकार से 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से करोड़ों संख्या में स्पर्म का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, इन मियोसिस डिवीज़न ऑलरेडी स्पर्म मेक द मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स 2 सेल्स, 2 डिवाइडेड इन 4 सेल्स, 4 डिवाइडेड इन 16 सेल्स, 16 डिवाइडेड इन 32 सेल्स। इट प्रोसेस हैज मेक द करोन्स आर मल्टीपल स्पर्म्स ऑन अ टाइम, बट इन दिस प्रोसेस ओनली 1 स्पर्म एंट्री द ओव्यूल ऑफ द फीमेल गैमेट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये करोड़ों की संख्या में स्पर्म का निर्माण होता है इस प्रोसेस के बाद में, लेकिन करोड़ों में से केवल एक ही वीर स्पर्म मादा के अंडाशय में प्रवेश करता है। ओनली 1 स्पर्म एंट्री द ओव्यूल ऑफ फीमेल ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स, हैज शोन द डॉटेड एंड टेल शेप स्टेज इन दिस सेल्स। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पूंछ की तरह जो संरचना वो तो शुक्राणु है, बट स्टेज इन फ्रंट ऑफ यू एट ब्लैक डॉटेड, इट इज़ द स्टोनी सेल्स विच कैन गिव द न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स। स्टूडेंट्स, शुक्राणुओं के साथ में काले रंग के आप डॉट्स देख रहे हैं, ये
स्टोनी सेल्स होते हैं जो कि शुक्राणु स्टूडेंट्स द प्रोसेस सोन इन फ्रंट ऑफ यू स्पर्म फर्टिलाइजेशंस स्पर्म मेकिंग बाय स्पर्म मेकिंग बाय द टेस्टिस एंड हेल्प द टेस्टिस टू मेकिंग द स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्म फर्टिलाइजेशंस मेल गैमेट्स गिव्स आउट स्पर्म्स। स्टूडेंट्स ये प्रक्रिया आपके सामने प्रदर्शित हो रही शुक्राणु जनन शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ये नर युग्मक के द्वारा बनता है। इट इज द सोन द एग प्रोडक्शंस इन द ओव्यूल मेक द एग्स इट्स कॉल्ड द एग प्रोसेस। अंडजननी कोशिकाओं द्वारा अंड का निर्माण अंडाशय में होता है जिसे अंडजनन कहते हैं। स्टूडेंट्स इट इज़ द आफ्टर एम्ब्रियो स्टेज नॉट इट इज़ द बिफोर एम्ब्रियो स्टेज नॉट आफ्टर एम्ब्रियो स्टेज। स्टूडेंट ये शुक्राणु से भ्रूण बनने के पूर्व की घटना है बाद की नहीं। स्टूडेंट इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ स्पर्म्स फर्स्ट टॉप मिडिल सेंट्रोसोम्स इट इज़ द स्नेक शेप स्टेज एंड अ लॉन्ग टेल एंड क्रोमोसोम्स एंड नेक। स्टूडेंट्स ये आपके सामने स्पर्म दिखाई पड़ रहा है जिसमें पहला सिरा है और बीच में सेंट्रोमेंस एंड सर्पिलाकार वृत्त और सबसे लास्ट में लंबी पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें हेड यानी शीर्ष की तरफ गुणसूत्र और उसके बीच में ग्रीवा यानी गले जैसी संरचना पाई जाती है। स्टूडेंट दीज फिगर शोन एज हाउ टू मेक द मेल गैमेट्स टू स्पर्म्स। स्टूडेंट्स ये आपके सामने प्रोसेस डिस्प्ले हो रही है नर युग्मक से शुक्राणु कैसे बनते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट टू सेल्स मेड इन स्पर्म ग्लैंड एंड टू सेल्स मेड ऑफ वन सेल्स इन अ टेस्टिस एंड एट लास्ट मेक द स्पर्म साइटोनिस सेल्स विच कैन वर्क टू गिव द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म। स्टूडेंट सबसे पहले वृषण ग्रंथि में दो कोशिकाएं मिलती हैं। दो कोशिकाएं मिलकर के वृषण में एक कोशिका का निर्माण करती हैं और लास्ट में प्रोसेस देख रहे हैं शुक्राणु का निर्माण होने पर इसमें जो ब्लैक कलर में डॉटेड शेप सेल्स दिखाई पड़ रही हैं ये स्टोनी सेल्स हैं। ये स्पर्म को पोषण देने का कार्य कर। स्टूडेंट्स नाउ इट इज़ द सेकेंड स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टेज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेक द गैमेट्स अ कंप्लीट डेवलपमेंट एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स अब आपके सामने दूसरा स्टेज निषेचन के बाद की घटना है। इसमें भ्रूण का निर्माण हो जाता है जो कि युग्मनज के द्वारा पूर्ण रूप से निषेचन के बाद में पूर्ण रूप से पूर्ण विकसित रूप में सामने परिलक्षित होता है। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट मीट द ओव्यूल विद स्पर्म्स 23 कपल्स एंड मीट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। स्टूडेंट्स शुक्राणु अंडाणु जब मिलते हैं तो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स का आदान प्रदान करके एक युग्मनज बनाते हैं जिसमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या पूर्ण रूप से 46 हो। स्टूडेंट्स इन दिस प्रोसेस मियासिस डिवीजन इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज मेक टू एंड सेल्स एंड थर्ड स्टेज मेक द थर्ड सेल स्टेज एंड मेक द एग कंडीशंस। इट इज़ द फर्स्ट आर्चिंग प्लैनेट एंड इट्स कॉल्ड द प्लैनेट सेल्स टू एंड एट लास्ट
make the development cells, it's called 2N cells, and at last make the egg. स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है, जिसमें 2N सेल्स पूर्वावस्था कहलाती है, मध्य अवस्था 2N मिल करके डबल सेल्स का निर्माण करते हैं, और तृतीय अवस्था में 3 सेल का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे 3 सेल अवस्था भी कहते हैं, और इसके पश्चात अंडाणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशंस। व्हेन स्पर्म एंड मेक द ओव्यूल, इट मेड द फर्टिलाइजेशंस प्रोसेस। जब अंडाणु और शुक्राणुओं का मेल होता है, तब निषेचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब स्टूडेंट्स, आपके सामने मादा जनन तंत्र आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। इसमें अंडाशय एक जोड़ी पाया जाता है और एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है, एक योनि मिलेगी और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये फिगर आपके सामने डिस्प्लेड हो रहे हैं, इनको भी नोट्स करते चलें। स्टूडेंट, दीज आर द फीमेल ऑर्गन्स, फर्स्ट ओव्यूल, सेकेंड ओवरी, थर्ड योन, फोर्थ एग्जेक्यूटिव सेल्स, थर्ड वन कपल ऑफ द न्यूट्रिशन ऑर्गन्स ऑफ द न्यू सेल्स। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक।